तो आजकल इंटरनेट पे ये वाला ब्रश काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसे बस आपको हल्का सा क्लीन करना है और आपकी पूरी विंडो अच्छे से क्लीन हो जाती है। साथ ही साथ ये ग्लास को क्लीन करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तो है। मैंने भी इस प्रोडक्ट को मंगाया, तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। और यहाँ से तो ये इस तरीके का थोड़ा सा ओपन है और चारों तरफ से लॉक है, तो इसको हम ओपन करते हैं फटाफट से। और अनबॉक्सिंग करते हैं कि ये किस तरीके से है, और प्राइस वाइज भी ये ओके ओके था, तो मैं मेंशन कर दूंगी। और ये हमें मिला है कुछ इस तरीके का, ये इस तरीके का है। तो ये शायद क्लीनिंग के लिए है, ये इसका मिनी वाइपर है, आई थिंक ये इस तरीके से लगता होगा। हाँ, ये मिनी वाइपर है और मैंने लगा तो दिया है, बट आई डोंट नो कि ये सही लगा है कि नहीं लगा है। ये फिर ऐसे ही रहता हो। हाँ, इसे आप इस मतलब डिटैचेबल भी कर सकते हैं शायद, बड़ा छोटा यही है, बट ये तो हिल रहा है। बट चलो, इसे बाद में देखेंगे कि कैसे करना है। ये इसका वाइपर है और ये इसका क्लीनिंग है, तो हम भी इसे ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस मिरर को क्लीन करके देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा स्पॉन्ज में सोप लगाया एंड देन इसका मैजिक देखते हैं। लेट्स सी। यार, ये तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये देखिए, बिल्कुल, ये देखिए एकदम ड्राई है बिल्कुल भी इसमें, और यहाँ तक कि बीच में लाइनिंग भी नहीं दे रहा है। अक्सर जब हम वाइपर पर ऐसा करते हैं तो लाइनिंग देता है। ये जो टूल है काफी ज्यादा यूजफुल है। अब इसका ये वाला टूल ट्राई करके देखो। और ये देखिए, आपको खुद ही दिख रहा होगा कितनी ज्यादा डस्ट इसके अंदर है। तो लेट्स सी। घंटा ऐसे में करती हूँ, ऐसे में तो ये पूरा नहीं आएगा, ऐसे में करती हूँ। हाँ, ये तो बड़ा कमाल का है, मुझे लगा नहीं क्लीन करेगा। और ये देखिए, एक बार में ही इसने इसकी जितनी डस्ट थी ना वो सारी निकाल दी नीचे के हिस्से की, और सारी डस्ट यहाँ पे निकली है। थोड़ा बहुत ये पीछे चली गई है, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी डस्ट थी और ये सारी निकल चुकी है। ये देखिए बिल्कुल, और यही चीज मैं पीछे से भी कर रही हूँ। ये देखिए कितनी डस्ट निकल रही है। इस हैक के लिए तो बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये प्रोडक्ट है। और ये देखिए, जितनी भी डस्ट है वो सारी यहाँ पे आ चुके। आप इसमें डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे और यहाँ पे कितने अच्छे से क्लियर दिख रहा है। तो डेफिनेटली आप इस वाले प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसे बाय करिए। और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में देने के साथ साथ आपके साथ कमेंट में पिन कर दूंगी। तो इस तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें।